जंगल छोड़कर शहरी इलाकों का रुख करने वाले बाघों और गुलदारों के पीछे एक बड़ी वजह उनके नाखून है। जी हाँ, बाघों के नाखून। जंगलों में शिकार के बाद इन जानवरों के नाखूनों की सफाई ना होने से बाघों के नाखूनों में संक्रमण फैलता है और संक्रमण होने से इनके नाखून कमजोर हो जाते हैं। वन विभाग इस बार परंपरागत तरीकों से बाघों के नाखूनों को स्वस्थ रखने के तरीके इस्तेमाल कर रहा है। वन अनुसंधान केंद्र में पनियाला के पौधों की नर्सरी बनाई गई है। तना होगा, ये हल्का सा खुरदरा होता है, तो इस तने में वो अपने नाखूनों को यहाँ पर पीने करता है। नर्सरी में 1000 से ज्यादा पौधे उगाए गए हैं। अब इन पौधों को वन डिवीजन विशेषकर बाघ और गुलदारों के खतरे से आशंकित रामनगर, तराई पश्चिमी के साथ तराई पूर्वी, हल्द्वानी डिवीजन और कारबेट में रोपित करेगा। वन विभाग की इस पहल से वन्य जीवों को तो फायदा होगा ही, साथ ही बाघ जंगल में भी शिकार से अपनी भूख शांत करेंगे तो वो आबादी की तरफ नहीं आएंगे, जिससे काफी हद तक मानव वन्य जीव संघर्ष पर लगाम लग सकेगा।